नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। और मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना से भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाएंगे। यहां कन्याकुमारी में पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री का केरल के पथनामथिट्टा में भी एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। शाम को प्रधानमंत्री तेलंगाना के मल्काजगिरी में रोड शो भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगी। हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में वो शामिल होंगी। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना। इसके बाद भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे आज राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। इससे पहले बीते कल शेरिंग टोबगे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनके अपने आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। देशभर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर जनता खुश नजर आ रही है। उपभोक्ताओं ने सरकार के पेट्रोलियम के दामों में कमी के फैसले को बेहतर बताया। आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध सुदृढ़ भारतीय कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा डिजाइन की गई विशेष डिजिटल आपराधिक मुकदमा प्रबंधन प्रणाली सीसीएमएस का आभासी उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने मोबाइल ऐप संकलन का भी शुभारंभ किया, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का संग्रह है। ये ऐप पुराने और नए आपराधिक कानूनों के निरूपण के लिए डिजाइन किया गया है। गृहमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशकों से प्रभावी और त्वरित जांच और अभियान में नवीन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सुरक्षा बलों को जांच के दौरान मामले के दस्तावेज इकट्ठा करने, आंकड़े जमा किए गए साक्ष्य और अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र व्यवस्थित रखने, उन्हें संकलित करने और डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का दौरा करेंगे। यहां चतरा में वो दोपहर में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बनाए गए। राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की। पद संभालने की तारीख से प्रभावी होगी नियुक्ति। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। चुनाव आयोग ने के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा मुहैया करा दिया था। गुजरात के भरूच में 25 टी वोलाड पुल टग नौका बजरंग का जलावतरण किया गया। ये टग नौका भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का प्रतीक है। अग्निवीरों के 3रे बैच की पासिंग आउट परेड आज आईएनएस चिल्का में आयोजित की जाएगी। ये पासिंग आउट परेड लगभग 2600 अग्निवीरों के सफल प्रशिक्षण के समापन का प्रतीक है, जिसमें महिला अग्निवीर भी शामिल हैं। इन सभी ने आईएनएस चिल्का में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे और वो सूर्यास्त के बाद पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति से सीजीआई को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली के
सत्र अदालत आज फिर से सुनवाई शुरू करेगी। मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर न होने पर एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में दो शिकायतें दायर की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में 2024 का चुनाव भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों होगा, इस विषय पर भाषण देंगे। वहीं केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वादा और नुकसान विषय पर भाषण देंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी नई दिल्ली में एथेनॉल 100 लॉन्च करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आज से नागपुर में शुरू होगी। 15 से 17 मार्च 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में संघ कार्यों की विशेषकर संघ शाखाओं की समीक्षा होगी। कोलकाता में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो आज से आम जनता के लिए चालू कर दी गई है। अंडरवाटर मेट्रो का लोकार्पण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। सहारनपुर के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलजीत सिंह कोचर ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी बल्कि लोगों को नागरिकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। सीए पर पादरी नितिन कुमार रॉबिन्सन ने कहा कि सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कानून से लाभान्वित होने वाले लोगों को बधाई भी दी। नागरिकता संशोधन कानून पर पद्मश्री योग भारत भूषण ने कहा कि सीए लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय था और ये भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। असम में टीएमसी ने इंडी गठबंधन को तगड़ा झटका दिया। पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद टीएमसी ने बीते कल असम की 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। क्वालकॉम ने चेन्नई में क्वालकॉम के डिजाइन सेंटर शुरू किया है। इसके उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सेंटर पीएम मोदी के सेमीकंडक्टर विजन को पूरा करता है। टीएमसी छोड़ने पर बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि टीएमसी में मेरा अपमान किया जा रहा है, मैं जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। एक और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हजारी पुल के पास चकेरी पुलिस से मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 बदमाश घायल हो गए। ये दोनों लूट के कई मामलों में काफी समय से वांछित थे। गिरोह के अन्य 2 सदस्यों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरला कैरी में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रमोद सावंत ने कहा कि सबका विकास करना ही मोदी की गारंटी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने अगरतला में अगरतला चाय ऑक्शन सेंटर की आधारशिला रखी और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। मथुरा समेत पूरे ब्रज में होली का उल्लास अलग ही होता है। मथुरा के गोकुल स्थित रमन रेति आश्रम में अनोखी हर पल होली खेली गई। दुनिया की सबसे बड़ी कुरान जयपुर के रविंद्र मंच की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित किए गए जा रहे 4 दिवसीय रंगोत्सव में प्रदर्शित की जा रही है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने गुवाहाटी बाईपास के नव विस्तारित 6 लेन वशिष्ठा जालुकबारी खंड का उद्घाटन किया। इस खंड का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन की उपस्थिति में चुनाव समिति कार्यालय का उद्घाटन किया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से भाजपा के प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन, पत्थर गिरने और बारिश के मौसम के कारण कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। रामबन जिले में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विपरीत धर्म को जोड़ों के लिए लिव इन रिलेशनशिप को अवैध करार दिया है।
न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल ने अंतर धार्मिक जोड़े द्वारा दायर की गई पुलिस सुरक्षा मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की ओर से मल्टी बैंक मॉडल के तहत थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस मिला। एनपीसीआई ने कहा कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और यस बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक के तौर पर काम करेंगे। एनपीसीआई ने कहा कि अब पेटीएम मौजूदा यूजर और मर्चेंट बिना किसी बाधा के यूपीआई लेनदेन और ऑटो पे सेवा रख सकेंगे। जारी सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के नकदी रहित इलाज के लिए पायलट आधार पर एक कार्यक्रम शुरू किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस पायलट कार्यक्रम में प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.56 लाख रुपए का नकदी रहित उपचार कराया जाएगा उपलब्ध। सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड ने वाणिज्यिक कोयला खदानों की 9वें दौर की नीलामी में मध्य प्रदेश में स्थित लामटोला कुकिंग कोयला ब्लॉक हासिल किया। एसीसी ने 4% के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 16.75% प्रीमियम की पेशकश करते हुए खदान के लिए अंतिम बोली जमा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित अभ्युदय सहकारी बैंक की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। आरबीआई ने नवंबर में खराब कामकाजी प्रशासन को लेकर चिंता पैदा होने पर अभ्युदय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को कर दिया था भंग। साथ ही बैंक से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए एक प्रशासक भी नियुक्त किया गया था। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मार्केट में तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विथड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Delivery boy has picked your order. अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। NHAI ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित यातायात प्रवाह के लिए कई उपाय किए। इनमें नियमों के उल्लंघनों की जांच के लिए गलियारे पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना भी शामिल है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सहायता के लिए NHAI ने प्रमुख जंक्शनों और प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए मार्शल तैनात किए हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त सड़क संकेत भी लगाए गए हैं। सरकार ने प्राकृतिक शहद पर इस साल दिसंबर तक $2,000 प्रति टन का लगाया न्यूनतम निर्यात मूल्य। इस बारे में अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि कंपनी ने गुजरात में 300 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की 126 मेगावाट क्षमता वाली इकाई को चालू किया।
अदानी ग्रीन कंपनी ने कहा कि ये पवन ऊर्जा परियोजना 109.1 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में सालाना लगभग 8 लाख टन की कमी आएगी। देश के कई बैंक सरकारी हिस्सेदारी को 75% से कम करने की योजना बना रहे हैं। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी और यूको बैंक सहित 5 पब्लिक सेक्टर के बैंक शामिल हैं। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बताया कि 12 पब्लिक सेक्टर के बैंकों में से 4 31 मार्च 2023 तक एमपीएस मानदंडों का अनुपालन कर रहे थे। चंद्रमा उससे आगे मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान भेजने के लक्ष्य वाले स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट ने अंतरिक्ष की परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। हालांकि रॉकेट वायुमंडल में फिर से प्रवेश के दौरान दुर्घटना होकर नष्ट हो गया। स्पेस एक्स ने कहा कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हाइपरसोनिक रफ्तार से वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया, उसके जलकर नष्ट होने या समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। स्टारशिप अंतरिक्ष यान ने तीसरे परीक्षण में आज अब तक की सबसे लंबी दूरी तय की और अभियान के अधिकांश उद्देश्यों को पूरा किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल निल्सन ने इसे सफल परीक्षण उड़ान बताते हुए स्पेस एक्स को बधाई दी। रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज से लेकर 17 मार्च तक मतदान चलेगा। रूस में पहली बार ऑनलाइन मतदान के विकल्प का उपयोग किया जाएगा। ये विकल्प 27 रूसी क्षेत्रों और क्रीमिया में उपलब्ध होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। 71 वर्षीय पुतिन अपने 5वें कार्यकाल के लिए लगभग निर्विरोध चुनाव लड़ रहे हैं। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी या तो जेल में है या विदेश में निर्वासन है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने लंबे समय तक उनके आर्थिक सलाहकार रहे मोहम्मद मुस्तफा को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा अमेरिका में शिक्षित अर्थशास्त्री हैं। वो फिलिस्तीनी टेलीकॉम कंपनी पालटेल चलाते हैं। हाल ही में फिलिस्तीन में करीब $1 अरब परियोजना फाले फिलिस्तीन निवेश को के वो प्रमुख रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा अब वेस्ट बैंक में सरकार का नेतृत्व करेंगे, जो संभावित रूप से फिलिस्तीन को अंततः देश का पूर्ण दर्जा हासिल होने से पहले वहां का शासन संभालेगी। यूक्रेन की सहायता पर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच आज बर्लिन में होने वाली बैठक से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्कोल्स से टेलीफोन पर बातचीत की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय मित्र देशों के समर्थन का भरोसा दिलाया। जर्मनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं ने बातचीत जारी रखने और निकट संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के लिए रक्षा सहयोग और बख्तरबंद युद्धक वाहन, तोपखाने और वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बातचीत की। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की टिप्पणियों पर फ्रांस और जर्मनी के बीच तनाव के बाद हो रही है ये बातचीत। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। यूएनजीए में भारत ने अन्य देशों के साथ इस प्रस्ताव को लेकर संयुक्त बयान जारी किया। एआई प्रणालियों से संबंधित इस प्रस्ताव को भारत समेत 54 सदस्य देश को को-स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर महासभा में 21 मार्च को चर्चा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत लिंजा थॉमस ग्रीनफील्ड ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे गरीबी, वैश्विक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा आदि मुद्दों के समाधान के लिए सदस्य देशों को सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बर्फबारी के कारण आम जनजीवन हुआ प्रभावित। तो बुधवार से शुरू हुए बर्फीले तूफान के कारण स्कूल, व्यवसाय और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए। स्थानीय ऊर्जा कंपनी ने बताया कि तूफान के चरम पर जैनवर क्षेत्र के 82,000 से ज्यादा ग्राहक बिना बिजली के थे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हुई। जापान के टोक्यो में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई। इसका केंद्र जमीन से 68 किलोमीटर गहराई में था।
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के ली जी जिया से होगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंतिम 16 में हुई बाहर। इंडोनेशियाई जोड़ी ने दी मात। महिला युगल वर्ग में भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को अंतिम 16 के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी झांगशु शियान और झेंग्यू की चीनी जोड़ी ने मात दी। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सर्जरी के 15 दिन बाद अपनी रिकवरी से जुड़ा एक अपडेट दिया है। शमी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि टांके हट चुके हैं और अब वो पूरी तरह ठीक होने की राह पर हैं। महिला प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच दिल्ली में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से भिड़ेगी। और इसी बीच एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पांसिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉगिन कर सकता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूं। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूं और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। वेस्टहैम यूनाइटेड यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने फ्रेबर्ग के खिलाफ खेले गए दूसरे लेग के मुकाबले को 5-0 से अपने नाम कर लिया। एस्टन विला की टीम भी यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। टीम ने अंतिम 16 में अयाक्स की टीम को शिकस्त दी। लिवरपूल की टीम यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने अंतिम 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में स्पार्टा प्राग की टीम को 6-1 से शिकस्त दी। 2025 से हर साल आयोजित होगा फुटबॉल का अंडर 17 विश्व कप, फीफा ने दी इस बात की जानकारी। यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले का ड्रॉ आज आएगा सामने। अप्रैल में आयोजित होंगे मुकाबले। इटली के यानिक सिनर ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। सिनर ने ये कामयाबी चेक गणराज्य के जिरी लहका को हराकर हासिल की। सिनर ने लहका के खिलाफ मुकाबले को 6-3 से मात दी। अमेरिका के टॉमी पॉल ने भी इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। महिला वर्ग में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। कैरोलिन हुई मैच से रिटायर। वहीं यूक्रेन की मार्टा कास्ट्यूक ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया, रूस की अनास्तासिया पोचापोवा को हराया। अभिनेता राजकुमार राव की आने वाली फिल्मों की सूची में अब एक और फिल्म शामिल हो गई है जो एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होगी। उनकी फिल्म का निर्माण जय शिवरमणि द्वारा किया जाएगा। अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी और अभिनेत्री किरण खेर ने हाल ही में खुद को उपहार में एक लग्जरी गाड़ी दी। ये कोई आम कार नहीं बल्कि 1.65 करोड़ रुपए की GLS मर्सिडीज है जो कई और नामी बॉलीवुड सितारों के पास है। अभिनेत्री नोरा फतेही अपने आने वाली फिल्म मटकाव एक्सप्रेस के जरिए बतौर रैपर शुरुआत करने जा रही है। कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी ये फिल्म आगामी 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जवान की सफलता के बाद निदेशक एटली ने अपनी आगामी फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को चुना है। फिल्म का ऐलान 8 अप्रैल 2024 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के दिन किया जाएगा। मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर अपनी आगामी फिल्म भैया जी का नया पोस्टर साझा किया है। मनोज वाजपेयी ने लिखा कि फिल्म के टीजर को 20 मार्च को रिलीज किया जाएगा। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म अमर सिंह चमकीला का दूसरा गाना नरम कालजा रिलीज किया गया।
पंजाब के चर्चित गायक अमर सिंह चमकीला की अनकही कहानी पर आधारित ये फिल्म 12 अप्रैल से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगी। दर्शकों को अनैतिक सामग्री परोसने का आरोपों के चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मूंज एक्स और हंटर्स विश्रमन समेत कुल 19 ओटीटी प्लेटफॉर्म वेबसाइट को ब्लॉक किया। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान मृणाल यौन हिंसा और मानवीय पहलू विषय पर अपनी बात रखेंगी। रवि किशन, विजय राज और पीयूष मिश्रा स्टार फिल्म जेएनयू का नया पोस्टर जारी। जेएनयू के कुछ विवादित मुद्दों पर आधारित ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी। देश विभाजन से पहले के कुछ अनसुने कहानियों पर आधारित फिल्म मां काली का पहला लुक जारी। फिल्म को हिंदी के साथ साथ ही बांग्ला भाषा में भी किया जाएगा रिलीज। और फिल्म दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन और निर्माता भूषण कुमार की जोड़ी नजर आएगी। अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म अगले साल 1 मई को रिलीज होगी। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे, सहयोगी अजय मिश्र के साथ। नमस्कार।